देश भर को जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ देश को एक और सौगात मिलने जा रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के लिए दो दिन पहले से यहां महायज्ञ हो रहा है और आज पूर्णाहुति के साथ इसे श्रद्धालुओं को सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना है। कॉरिडोर परियोजना शुरू होने से पहले ओडिशा के पुरी को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ीसा सरकार ने भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों को न्योता भेजा है। वहीं देश के चारों शंकराचार्यों, चारों पवित्र धाम और चार अन्य छोटे धामों को भी आमंत्रित किया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम को देखने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। All the arrangements are in place. We have the Parikrama project, which is supposed to be inaugurated today, is complete in all respects. Apart from that, we are also making functional the Shri Marg and Shri Setu and Jagannath Ballabh Parking Center. The Yagya, which is happening from the 12th of January, is uska Purnahuti ritual will be held today at 1:30 p.m. onwards. आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लगे बाहरी दीवार के चारों तरफ 75 मीटर चौड़ा गलियारा बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर में श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है, जिससे श्रद्धालु मंदिर के सीधे दर्शन कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से मंदिर परिसर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और त्योहारों, विशेषकर रथ यात्रा के दौरान स्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी।